ये रागनी उस समय की है, क्योंकि जब गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल के कटे हुए शरीर को कुएं से निकाला, पूर्णमल के ऊपर उसकी मौसी ने आरोप लगा दिया था, झूठा आरोप, और राजा ने भी रानी की बातों में आकर के इकलौते बेटे को जल्लादों को सौंप दिया था। जल्लादों ने पूर्णमल के शरीर को काट कर एक कुएं के अंदर डाल दिया, लेकिन गुरु गोरखनाथ का डेरा उधर आया तो गुरु गोरखनाथ ने चेला से पानी मंगवाया। पानी लेने के लिए उस कुएं के पास में गुरु गोरखनाथ का शिष्य पहुंचा, देखा कि कुएं के अंदर कोई कटा हुआ इंसान पड़ा है, आकर के गुरु गोरखनाथ को बताया और गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल के कटे हुए शरीर को बाहर निकाला, ज्यों का त्यों जोड़ दिया, जीवन दान दे दिया, अपना चेला बना करके अपनी शरण में रख लिया। उधर चीन देश के अंदर एक गड़गजनी शहर था जिसकी राजकुमारी थी सुंदरा दे, और उसको बता दिया था किसी ने कि तेरे लायक इस दुनिया में अगर कोई वर है तो पूर्णमल है, एक रोज तेरे द्वार पर बाबा जी के भेष में आएगा, तू संतों को जोगियों को मारना शुरू कर दे, जिस दिन तेरी नजरों के सामने वो पूर्णमल आएगा तेरे हाथ से तलवार छुट करके गिर जाएगी, आंखों के सामने उस पूर्णमल के अलावा तुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा ही, क्योंकि काफी दिन बीत गए, एक रोज गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को यह आदेश दे दिया कि बेटे तुझे राजकुमारी सुंदरा दे के द्वार से भिक्षा लेकर के आनी है। राजकुमारी सुंदरा दे के द्वार पर पूर्णमल पहुंचते हैं, जाकर के अलख जगाते हैं, और किस तरह का मौका होता है सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। कैसे बोला, राजकुमारी सुंदरा दे के द्वार पर इस संत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम तो ठीक है, लेकिन आप महाराज कौन हो? हे राजकुमारी जी, मैं आपके हाथ से भिक्षा पाना चाहता हूँ। भिक्षा? आप मुझे भिक्षा घाल दीजिए। अच्छा, मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश ना करें। क्यों? आप ये बताइए, मैं एक जन्मजति साधु हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको साधु जैसा भेष है मेरा। साधु आप? हाँ। नहीं, मुझे तो नहीं लग रही साधु बिल्कुल भी। आपको क्या लग रहा हूँ मैं? मुझे क्या लग रहे हो? हाँ, मुझे तो राजकुमार लग रहे हो जी आप। राजकुमारी जी, आपकी भूल है। अच्छा, अगर आप एक बाबा जी को राजकुमार समझ लिए तो आपकी भूल है, आपके मन का भ्रम है। मेरा बिल्कुल भी भूल नहीं है, मैं सही कह रही हूँ, आप साधु नहीं हो। चलो मान लिया, आपके मन में अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई राजकुमार हूँ जी बिल्कुल, तो फिर क्या हो गया, मुझे भिक्षा दे दो, मैं तो झोली फैलाए खड़ा हूँ। भिक्षा? हाँ, आपको भिक्षा चाहिए? मुझे भिक्षा चाहिए और आप ही के हाथ से भिक्षा चाहिए। अच्छा, हाँ देखिए राजकुमार, राजकुमार जी। हाँ, आप मुझे राजकुमार जी नहीं, अगर बाबा जी कह दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, बाबा जी तो मैं नहीं कहूंगी। आप नहीं कहोगी जी, तो फिर मुझे भिक्षा घाल करके भेजो, यहाँ से लौटाओ। भिक्षा घाल के लौटाऊं? हाँ। देखिए, आपको भिक्षा घलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। यूं भी सही है, ठीक है यूं भी। राजकुमारी सुंदरा दे, भिक्षा भी ले जा, भिक्षा वाली है भी। राजकुमारी सुंदरा दे, आप एक राजा की बेटी है, राजकुमारी है। अच्छा, इतना बड़ा घर वासा है, राजपाट है, सब कुछ है, हर तरह की मौज है, बाबा जी के साथ में ब्याह करके आप दुखी रहोगी? तभी तो कह रही हूँ, मुझे बाबा जी लग नहीं रहे आप। मैं बाबा जी हूँ, अब जन्मजति साधु हूँ। आप बाबा जी होगे लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। अब तुम्हारे मानने का मैं क्या इलाज करूँ? आप कहने एक बात और है, ना नाम जाना, ना गांव जाना, ना डेरा पूछा, ना गुरु पूछा, ना पंत पूछा, और सीधा प्रस्ताव रख दिया राजकुमारी जी ने। जो मेरे मन में था वो मैंने बता दिया, लेकिन प्रस्ताव आप अपना दे तो नहीं रहे, मैंने पहले पूछा था आपसे। मन की बहुत साफ हो आप जी, लेकिन राजकुमारी जी, जी कहिए, मेरे बारे में पहले जानकारी, क्योंकि जिससे ब्याह शादी करनी हो उसके बारे में जानकारी भी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, तो अपनी जानकारी अब दे दो, क्या दिक्कत हुई? मेरे बारे में जानकारी लेने से भी फिर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्यों? सुनिए मेरी बात को। कहिए अपनी बात।
तेरी बेमतलब की क्या? बेमतलब की है तेरी। हाँ क्या कह रहे हो आप? तलवार जो फेंक दी तूने। अच्छा तलवार लेकर के या तो कत्ल कर दो या भिक्षा घाल दो, दो ही काम करने हैं आपको। दो, इन दोनों में से एक काम करना होगा। हाँ दोनों को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भिक्षा अच्छा। भी घाल दो और तलवार से काट भी दो, तब भी कोई दोनों तो ज्यादा पड़ जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुन ले। कही अपनी बात। तेरी बेमतलब की बात नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का हर काम पूछ के क्या लेगी, हर काम पूछ के क्या लेगी, तेरी बेमतलब की बात नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का हर काम पूछ के क्या लेगी, हर काम पूछ के क्या लेगी। राजकुमारी जी मैंने सुना कि आपने 1700 जोगी कत्ल कर दिए हैं। अच्छा बहुत बड़ी कातिल हो आप। अगर सुना है तो सही सुना होगा। सुना तो मैंने सही है। अच्छा। अगर आपका काम जोगियों को कत्ल करने का है, मारने का, तो बेशक से मार दीजिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए राजकुमार मुझे फालतू की बातों में मत बहकाइए, मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मुझे राजकुमार ही मानोगे आप? जी बिल्कुल। लेकिन मेरी बात सुनिए, तेरी बेमतलब की बात नाथ का तू नाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति भाव भजन सेवा से न्यारा राम नहीं होता, उस परमेश्वर के सिवा जगत में और कोई नाम नहीं होता। उस देश का रहने वाला हूं जहां सुबह और शाम नहीं होता, हम रमते राम फकीर जगत में हमारा कोई घर गांव नहीं होता। अच्छा घर गांव ही नहीं है। तेरा है पापों से मेल, दया का तू धाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का घर गांव पूछ के क्या लेगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका नाम पूछ के ही रहूंगी। पूछ के ही रहेगी। अगर रागनी के बोल अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर हो जानी चाहिए। माता बहनों की तरफ से भी जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि मौसम चौधरी भी नाम पूछने पर उतारू हो रही है। सुन ले मेरी बात को कैसे। उठाया है यो आदम देखा, जन्म जगत में बड़े भाग से पाया है, बड़े भाग से पाया है ईश्वर का भजन सारियो छे चारों ने गाया है। अच्छा? नासवान संसार जगत में सब धोखे की माया है।
सब धोखे की माया है, तेरा राधा जैसा हो, 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 तेरा राधा जैसा रहा कोन्या, फिर शाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का घर काम पूछ के क्या लेगी, घर काम पूछ के क्या लेगी। कहिए, संत तो एक बहते दरिया की तरह हुआ करते हैं, आज यहाँ कल वहां परसों कहीं और, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं हुआ करता। भगवान का नाम उस परमात्मा का नाम है, ओम का नाम है इस दुनिया में, और तुम मेरे बारे में नाम जानना चाहती हो तो मेरा ऐसा कोई नाम नहीं, लेकिन हमारी जो सोच हुआ करती है, ऐसा कोई आदमी कोई मनुष्य नहीं जिसका नाम नहीं होता, लेकिन आपका भी कोई नाम जरूर है और आपको बताना ही होगा। अच्छा जी, राजकुमारी सुमरादे, कहिए महाराज। आपकी नजरों में यानी कि मर्द और वीर अलग अलग हैं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। होते क्यों नहीं, अलग नहीं होते? आप नहीं मानते इस बात को? हम नहीं मानते। अच्छा, क्योंकि हम संतों की नजरों में वो समानता हुआ करती है, हम मर्द और वीर में कोई फर्क नहीं मानते। कैसे नहीं मानते सुन ले, बताइए कैसे नहीं मानते। राजकुमारी जी, मैंने इतना इशारा कर दिया, इतनी देर हो गई आपने मुझे भिक्षा नहीं गाली, अब भी उसी बात पे खड़ी हो कि नाम बता दे, अब भी आपको नाम पूछने की जरूरत रह गई? भिक्षा तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपना एड्रेस पता मुझे नहीं बताएंगे। ओहो, पूरा एड्रेस बताई लेगी? जी बिल्कुल, पूरा एड्रेस बता लेंगी, कोई शक है? शक? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मैंने कहा था कि आप मुझे भिक्षा घाल दें तो चला जाऊंगा, या कत्ल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातों में शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मैं तो झोली फैलाए फैलाए मेरे हाथ भी दुखने लगे। आप मुझे जब तक अपना नाम नहीं बताएंगे तब तक आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। मानोगी नहीं? कभी भी नहीं मानूंगी। सुन ले मेरी बात, कही अपनी बात। मन में सही चलेगी क्या? मन में सही चलेगी क्या? तू उतर गई है गहराई में, जचती बात मरेगी क्या? तेरा फल खाने का काम बावड़ी गिन के पेड़ करेगी क्या? गिन के पेड़ करेगी क्या? हाँ लड्डन सिंह के हो, 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 हो,
लड्डन सिंह के भजनों का तू दाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का दर का पूछ के क्या लेगी, दर का पूछ के क्या लेगी, तेरी बेमतलब की पातनाथ का नाम पूछ के क्या लेगी, सुंदरा दे इस साधु का हर काम पूछ के क्या लेगी, हर काम पूछ के क्या